हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटीज़। तो आज अपन इनइक्वालिटी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़। चलो भाई, कैसे हो भाई आप लोग? इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे थे अपन। इनइक्वालिटीज़ में लास्ट क्लास में अपन इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे कंसेप्ट अपन को स्टार्ट करना है। तो आज अपन पढ़ेंगे रैशनल इनइक्वालिटी। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है रैशनल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, रैशनल इनइक्वालिटी। अब रैशनल इनइक्वालिटी होता क्या है इसको समझिए ज़रा भाई। सीधी सी बात है कि ऐसी इनइक्वालिटी जो रैशनल फॉर्म में होती है उसको अपन रैशनल इनइक्वालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा गिवन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, लो भाई ये रैशनल इनइक्वालिटी हो गई। अब इस रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस के जरिए अपन आगे बढ़ाएंगे अपना लेवल। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, तो सेम वही स्टेप है जो हमारे पास इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर में होता था इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है भाई। इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन ने देखा लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है क्या, तो हाँ भाई इसका भी लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसका भी लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है, मतलब सभी लीनियर फैक्टर्स का लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है। फिर हमने इसको ज़ीरो पुट किया तो वन आया, इसको ज़ीरो पुट किया तो टू आया। फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन पे वन और टू ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो इस टू पे भी होलो सर्कल आएगा और वन पे भी होलो सर्कल आएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, फिर क्या आएगा नेगेटिव का साइन, फिर क्या आएगा पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव वाला अपर कप, नेगेटिव वाला लोअर कप, पॉजिटिव वाला अपर कप। पॉजिटिव वाला पार्ट अपना आंसर है तो ये वाला पार्ट अपना आंसर हो गया। तो हमारे पास जो है x belongs to हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके वन, यूनियन हमारे पास आ गया टू से लेके इन्फिनिटी। इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। नोट करिए भाई यहाँ तक। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर वन आपने नोट किया। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन नंबर टू से अपन समझते हैं कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा फिर आप क्या करते। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता तो इज्जत की बात तो ये थी कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है तो अपन वन और टू पे क्या डार्क सर्कल लगा देते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात करें अपन, दो तरीके से समझते हैं। पहली बात तो ये पूछा गया ये एक्सप्रेशन ज़ीरो कब होगा, तो ऑब्वियस है कोई भी फ्रैक्शन ज़ीरो कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर ज़ीरो हो, डिनोमेटर ज़ीरो ना हो, न्यूमरेटर ज़ीरो हो। तो न्यूमरेटर वाला जो हमारे पास पार्ट है वो x माइनस वन है, तो x माइनस वन ज़ीरो हो तो x इक्वल टू वन हो, तो इसलिए x इक्वल टू वन पे डार्क सर्कल आना चाहिए, टू पे नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये कब डिफाइन होता है, जब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो हो, तो x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो हो, तो x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू टू हो, मतलब x की वैल्यू टू तो कभी हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू टू कभी नहीं हो सकती, तो टू पे हमेशा क्या आएगा हॉलो सर्कल। तो इसमें हमारे पास जो ध्यान रखने वाली बात यह है वो इतनी सी है कि अगर फ्रैक्शन रैशनल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं और उसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी भी साथ में है, तो हमें डार्क सर्कल लगाना पड़ता है। तो डार्क सर्कल हम हमेशा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स रहेंगे, जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे, उन सब पे हॉलो सर्कल आएगा। तो इसमें केवल जो बात याद रखनी पड़ती है वो केवल इतनी सी बात याद रखनी पड़ सकती है कि जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहाँ पर आता है हॉलो सर्कल आता है। क्या आता है भैया डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पर? हॉलो सर्कल आता है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पर हॉलो सर्कल आता है, ठीक है? इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अपन ने अभी तक सॉल्व किए हैं इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस इतना सा बात याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट होंगे उन पर हॉलो सर्कल आना था, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो दुनिया डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो नोट करिए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ऐसा आ जाए अपने पास x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन अपॉन हमारे पास आ गया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस नाइन, और बोला ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, ये सॉल्व करो। तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहला स्टेप तो ये रहता है अपन चेक करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। चलो एक बात हो गई। फिर अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा यहाँ से फाइव, फिर यहाँ से आ जाएगा सेवन, यहाँ से आ जाएगा माइनस टू, यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा नाइन। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा माइनस टू, फिर क्या हो जाएगा ज़ीरो, फिर क्या हो जाएगा वन, फिर क्या हो जाएगा फाइव, फिर क्या हो जाएगा सेवन, फिर क्या हो जाएगा नाइन।
अब इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो क्या आना चाहिए, डार्क सर्कल क्रिटिकल पॉइंट पे। लेकिन समस्या क्या थी, जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट है उन पे हमेशा क्या आता है भाई, हॉलो सर्कल। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा हॉलो सर्कल आता है, ठीक है। तो पहले इतना नोट कीजिए। हाँ भाई, तो अपन ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अपन ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो इज्जत की बात ये कि यहाँ पे तो डार्क सर्कल आना चाहिए था, लेकिन डार्क सर्कल तो ज़रूरी नहीं कि आएगा, क्यों, क्योंकि ये रैशनल इनइक्वालिटी है। जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट है उस पर तो हॉलो सर्कल आता है, तो यहाँ से आया माइनस टू, यहाँ से आया ज़ीरो और यहाँ से आया नाइन। तो सबसे पहले ये जो माइनस टू है यहाँ हॉलो सर्कल लगा लो, ज़ीरो जो है वहाँ हॉलो सर्कल लगा लो, और जो नाइन है उस पर हॉलो सर्कल लगा लो, और बाकी सब पे डार्क सर्कल लगा लो। देखो ये इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि उसमें एक क्वालिटी दे रखी है। अच्छा आप सब, ये तो नॉन रिपीटिंग वाला केस है, सबका पावर 1111 है, तो इज्जत से लास्ट वाले में पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव का साइन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ये आ गया। लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट अपना आंसर आ गया। तो x बिलोंग्स टू हो गया, ये तो माइनस टू से ज़ीरो, हॉलो हॉलो ओपन ओपन, यहाँ से आ गया वन से लेके फाइव, यूनियन लगा दिया वन से लेके फाइव, डार्क है तो क्लोज, फाइव है तो पे भी डार्क है तो क्लोज, यूनियन सेवन से लेके नाइन, डार्क है तो क्लोज, नाइन पे ओपन, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो भाई, इतनी सी बात है, दिस इज़ द रैशनल इनइक्वालिटी। अगला एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना, ये एग्जाम्पल ऐसा लिख लो, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल ये, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, x माइनस टू की x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर का पावर सेवन इंटू एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वन का पावर फोर इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर फोर इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, 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 इसका भी पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात तो अपना लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। फिर अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ से जाएगा टू, यहाँ से जाएगा फोर, यहाँ से जाएगा सिक्स, यहाँ से जाएगा नाइन, यहाँ से जाएगा माइनस वन, यहाँ से जाएगा ज़ीरो, यहाँ से जाएगा थ्री। अपन क्या करेंगे, इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अपन बना लेंगे भाई। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा माइनस वन, फिर आ गया ज़ीरो, फिर आ गया टू, फिर आ गया थ्री, फिर आ गया फोर, फिर आ गया सिक्स, फिर आ गया नाइन। अब इक्वालिटी है, इक्वालिटी है मतलब डार्क सर्कल आना, भाई इक्वालिटी दिख रही ना, ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो फिर डिनोमिनेटर वाले पे पहले हॉलो सर्कल लगा लो। तो माइनस वन पे हॉलो लगा लो, ज़ीरो पे हॉलो लगा लो, और थ्री पे हॉलो लगा लो, बाकी सब पे डार्क लगा लो। ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, और ये डार्क हो गया। अब दूसरी बात ये है कि भाई पावर अपन को देखना पड़ेगा, है ना, पावर इवन है कि ऑड है, क्योंकि रिपीटिंग वाला केस है। तो माइनस वन कहाँ से आया, यहाँ से, पावर फोर है मतलब इवन है। ज़ीरो कहाँ से आया, यहाँ से, पावर वन है मतलब ऑड है। टू कहाँ से आया, एक्स माइनस टू का पावर वन से, पावर ऑड है। थ्री आया एक्स माइनस थ्री का पावर फोर से, पावर इवन है। फोर कहाँ से आया, फोर आया एक्स माइनस फोर का पावर सेवन से, पावर ऑड है। सिक्स आया एक्स माइनस सिक्स का पावर टू से, पावर इवन है। नाइन आया एक्स माइनस नाइन का पावर वन से, पावर ऑड है। सबसे लास्ट वाले में पॉजिटिव का साइन लगा लिया। अब इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में जा रहे हैं, बीच में ऑड आ रहा है। ऑड मतलब क्या होता है, साइन चेंज। तो पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, साइन नॉट चेंज, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑड आ रहा है, ऑड मतलब साइन चेंज, तो नेगेटिव का पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इवन आ रहा है, साइन नॉट चेंज, पॉजिटिव का पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑड आ रहा है, तो साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑड आ रहा है, साइन चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इवन आ रहा है, साइन डज नॉट चेंज, पॉजिटिव का पॉजिटिव। सही है भाई, बीच में इवन आएगा साइन चेंज नहीं होगा, बीच में ऑड आएगा साइन चेंज होगा। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। क्वेश्चन में बोला गया लेस देन इक्वल टू ज़ीरो निकालो, मतलब नेगेटिव निकालो। अब नेगेटिव निकालो तो नेगेटिव वाला एक ये आ गया, नेगेटिव वाला एक ही आ गया, नेगेटिव वाला एक ही आ गया, है ना। तो अब इसका आंसर लिखना है अपन को, तो पहले इतना नोट करो फिर आंसर लिखवाते हैं। हाँ भाई लिखो, आंसर लिखो। तो नेगेटिव वाला मतलब ये हो गया ज़ीरो से लेके टू, है ना, ज़ीरो से लेके टू। ज़ीरो पे क्या है, ओपन, और टू पे क्या है, क्लोज।
फिर ये आ गया हमारे पास, ये क्या है, फोर से लेके सिक्स, फोर से लेके सिक्स दोनों पर डार्क है, दोनों पर क्लोज हो गया। सिक्स से लेके नाइन दोनों पर डार्क है, दोनों पर क्लोज हो गया। अब चेक करेंगे हॉलो सर्कल डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल आंसर में नहीं आना चाहिए, डार्क सर्कल आंसर में आना चाहिए। माइनस वन पे क्या है, हॉलो आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ओके। जीरो पे क्या है, हॉलो आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ओके। टू पे क्या है, डार्क आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, ओके। थ्री पे हॉलो आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ओके। फोर पे डार्क आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, ओके। सिक्स पे डार्क आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, ओके। नाइन पे डार्क आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, ओके। इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर से लेके नाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फोर से लेके नाइन लिखने पे सिक्स पे यहाँ पे क्लोज है, तो सिक्स इंक्लूड हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो से लेके टू जीरो पे ओपन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, नोट करो भाई। देखो भाई, ये तो रैशनल इनइक्वालिटी में, अब दूसरी दुनिया देखो कैसे हो सकती है ना। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा है, बोला गया है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, अभी तक आपने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो यही देखा था ना। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जाए तो क्या कर लोगे? तो देखो यार, इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करके ये यहाँ ना ले जाओगे हीरोगिरी बता के, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाइड करके अगर ये यहाँ ले जा रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या कर लोगे भाई? क्या पढ़ा अपन ने कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। तो आप एक्स माइनस थ्री से आप यहाँ ले गए, तो x माइनस थ्री जब पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज ना होगा, और जब x माइनस थ्री नेगेटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो दो दो केस ना बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला था क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के पहले सोच लेना अच्छे से। तो क्या करो भाई, इस फाइव को यहाँ ले आओ, ट्रांसफ़र कर लो। चलो तो ये हो गया हमारे पास x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री माइनस फाइव इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। देख भाई, ऐसा है यहाँ पे तो ज़ीरो बनानी है आपको, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि जब तक यहाँ पे ज़ीरो ना बनेगा ना तब तक तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ तो ज़ीरो बनानी है, हर हालत में यहाँ ज़ीरो बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो इसलिए यहाँ जो भी सामान रहेगा वो उठा के इस तरफ लाना पड़ेगा आपको, ट्रांसफ़र ही एकमात्र हल है। क्रॉस मल्टीप्लाइड अपन को करना नहीं है, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट उठा के इस तरफ ले आए, अगर कोई और इक्वालिटी होती या कोई फंक्शन होता तो उठा के इस तरफ ले आते, बनाना यहाँ पे ज़ीरो ही है। अब भैया यहाँ पे एलसीएम एलसीएम आता है आपको, वो ले लो। तो एलसीएम आ गया एक्स माइनस थ्री, ये हो गया अपने पास एक्स माइनस टू। अब ये एक्स इंटू माइनस फाइव हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, और माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव हो जाएगा प्लस फिफ्टीन, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स हो गया और ये माइनस फाइव एक्स हो गया, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स, और फिफ्टीन माइनस टू कितना हो गया थर्टीन, अपॉन हमारे पास आ गया एक्स माइनस थ्री, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो पहले नोट कर लो इतना, फिर सॉल्व करवाते हैं। ये बचा था अपने पास, ये तो वैसे भी सॉल्व करते बनता है ना यार अपन से। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अपन सबसे पहले देखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो भाई लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखो, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना दो। तो भाई नीचे वाले का तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है वन है, ऊपर वाले का माइनस फोर है मतलब नेगेटिव है। तो इसे पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो न्यूमरेटर में, तो ये फोर एक्स माइनस थर्टीन हो जाएगा। अब माइनस से अगर एक तरफ मल्टीप्लाइड करोगे दूसरी तरफ भी करोगे, और माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज। अब आपको इसका आंसर निकालना है, इसका इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन फाइनली। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग वाला केस है भाई। 4x माइनस 13 का पावर ही 1 है, और x माइनस 3 का पावर ही 1 है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से जाएगा 13 बाय 4, 13 बाय 4, 4 3 से 12, 3 से बड़ा होगा, और यहाँ से 3, तो पहले आ जाएगा 3 और फिर हमारे पास आ जाएगा 13 बाय 4। अब इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो क्या आना चाहिए, डार्क सर्कल। लेकिन कंसेप्ट ये है कि जो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसमें तो हॉलो सर्कल आता है, तो ये जो 3 है इस पे क्या जाएगा, हॉलो सर्कल, और 13 बाय 4 पे क्या जाएगा, डार्क सर्कल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वाला अपना आंसर हो गया। तो हमारे पास नेगेटिव वाला आंसर हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, x की वैल्यू होगी 3 से लेके 13 बाय 4। तो हमारे पास जो आंसर है, x की वैल्यू 3 से 13 बाय 4, 3 पे तो हॉलो होगा और 13 बाय 4 पे डार्क है, तो इस पे क्लोज होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया इस इनइक्वालिटी का, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, है ना। और देखो, अब ये अपन ने देखा उस तरफ कांस्टेंट था, अब जैसे मान लो यहाँ ऐसा आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस सेवन इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसको कैसे करूँगे,
तो वो फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड के पीछे मत भागना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाइड करने का मतलब है केस बनाना भाई। आप इसको यहाँ ले गए तो जब x माइनस सेवन पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज ना होगा, और जब x माइनस सेवन नेगेटिव होगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो कितने केस बनाओगे, एक इसका केस बनेगा, एक इसका केस बनेगा, पागल आ जाओगे। तो इससे अच्छा है ट्रांसफर मारो, ट्रांसफर मारोगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स माइनस सेवन, माइनस हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम वेलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस टू, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर, और यहाँ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस सेवन, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा एक्स, और फोर प्लस सेवन हो जाएगा एलेवन, और अपॉन हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस सेवन इंटू हो जाएगा एक्स प्लस टू और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अपन को सॉल्व करना है, तो करो सॉल्व, नोट करो यहाँ तक। चलो भैया इसको सॉल्व करो। तो पहला कंसेप्ट है, क्या लगाते थे कि भाई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट वन पॉजिटिव, एक्स का कोएफिशिएंट वन पॉजिटिव, एक्स का कोएफिशिएंट वन पॉजिटिव। फिर अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस इलेवन माइनस टू एंड सेवन ड्रॉ करेंगे, सबसे छोटा वाला माइनस इलेवन, फिर माइनस टू, फिर आ गया सेवन। इक्वालिटी है तो आना चाहिए डार्क सर्कल, लेकिन डिनोमिनेटर के पॉइंट पे हमेशा हॉलो सर्कल आता है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ से आया सेवन, यहाँ लगा दो हॉलो, यहाँ आया माइनस टू तो यहाँ भी लगा दो हॉलो, ये इलेवन है तो यहाँ लगा दो डार्क, तो ये अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव। फिर भाई पावर सबका वन वन है ना, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये नीचे ऊपर हो गया नेगेटिव, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इलेवन, यूनियन हो गया हमारे पास टू से लेके सेवन, बोथ ओपन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, नोट करो भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास जो है, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था रैशनल इनइक्वालिटी, अगली हेडिंग डाली डबल इनइक्वालिटी। अगली हेडिंग क्या है, डबल इनइक्वालिटी। अब डबल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझो पहले भाई। अगर हमारे पास ऐसा लिखा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू और लेस देन इक्वल टू इलेवन, तो इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहली बात, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू इलेवन। इसे पढ़ते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू इलेवन, एंड भी बोलते हैं, बट भी बोलते हैं, और इंटरसेक्शन भी होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू और x लेस देन इक्वल टू इलेवन, इनका इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते आपको आना चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, इस बात का ध्यान दो, तो भाई ये हमारे पास नंबर लाइन हो जाए। अब दो इनइक्वालिटी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो हम नंबर लाइन पे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे एक ही नंबर लाइन पे। तो यहाँ से हमारे पास 2 है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से हमारे पास 11 है क्रिटिकल पॉइंट, तो अपन ने नंबर लाइन पे 2 लिख लिया और नंबर लाइन पे 11 लिख दिया, सही बात है। अब हमारे पास क्या कहानी है कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये 2 पे आ गया डार्क सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब अप टू इन्फिनिटी, और ये लेस देन इक्वल टू 11 है, लेस देन इक्वल टू 11 है तो 11 पे आ गया डार्क सर्कल और अप टू हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये वाला केस आ गया। अब देखो भाई ये एक पार्ट तो नंबर लाइन का, इस पर अपन एक डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, तो नंबर लाइन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं क्या, नहीं है, केवल एक ही है। नंबर लाइन का सेकंड पार्ट, क्या यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं, बिल्कुल यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं। नंबर लाइन का थर्ड पार्ट, क्या है यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं, नहीं है, तो आंसर हमारे पास ये सेकंड पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट अगर आंसर आ गया तो ये आंसर हमारे पास एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये टू से लेके इलेवन तक होगा। ओके भाई, टू और इलेवन लिख दिया। अब सवाल है टू पे क्या है, ओपन है कि क्लोज है, तो टू पे यहाँ डार्क सर्कल है तो टू यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है, कॉमन निकालना है तो दोनों के पास है, दोनों के पास है तो कॉमन आएगा तो क्लोज। 11 पे यहाँ भी डार्क सर्कल और यहाँ भी डार्क सर्कल, तो 11 दोनों के पास है तो 11 पे भी क्लोज, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो डबल इनइक्वालिटी बेसिकली क्या होता है, ये दो इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन अपन को कैसा लेना है, जैसे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x लेस देन इक्वल टू 11 है, तो ये 2 और 11 दोनों अपन ने सेम नंबर लाइन पे लिख लिए। अब पहली इनइक्वालिटी है 2 पे डार्क सर्कल अप टू इन्फिनिटी, दूसरी है 11 पे डार्क सर्कल अप टू माइनस इन्फिनिटी। जो ये माइनस इन्फिनिटी 2 11 और इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी 2 11 और इन्फिनिटी पे हमने डॉटेड वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करी तो ये पहला वाला हमारे पास बन गया, पहला वाला पार्ट ऑफ नंबर लाइन। तो क्या यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं, नहीं है। फिर दूसरा वाला पार्ट ऑफ नंबर लाइन, क्या यहाँ दोनों इनइक्वालिटी हैं, बिल्कुल, इस पर टिक मार दिया। तीसरे वाले पे भी दोनों हैं, नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब ये दूसरा वाला अपना आंसर आया, दूसरा वाला हमारे पास है 2 से लेकर 11। अब ये दूसरा वाला अगर हमारे पास 2 से लेकर 11 है, तो 2 से लेकर 11 अपन ने लिख लिया। अब 2 पे यहाँ पे डार्क सर्कल है
और जहाँ पे ये लाइन के बीच में आ गया ना, तो इस पर भी डार्क सर्कल ही होगा, तो दोनों पे डार्क सर्कल मतलब दोनों के पास है, तो कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। 11 पे यहाँ डार्क सर्कल और ये लाइन पे आ गया, लाइन पे जो आता है वो सही डार्क सर्कल ही माना जाता है, तो ये अपने पास कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो इस पर भी क्लोज। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ डबल इनइक्वालिटी। तो ये तो डबल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बताया मैंने आपको। अब अपन क्वेश्चन देखें डबल इनइक्वालिटी के, नोट करो यहाँ तक। देखो भाई, जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसा होता x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से लेस देन इक्वल टू 11 होती, ये अपने पास है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। तो भाई साहब देखो, ये दो इनइक्वालिटी हैं, एक चीज़ तो क्लियर है, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एंड दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 11। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 ले लेते हैं और ये इनइक्वालिटी नंबर 2 ले लेते हैं। इन दोनों इनइक्वालिटी को अपन को अलग अग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको मैं अलग यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करूँगा, दोनों के आंसर्स मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर जब दोनों का जो आंसर आएगा उसका एंड लिखा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट अपना आंसर होगा। तो चलो भैया, पहला वाला हमारे पास है, मान लीजिए एक्स माइनस 2 हमने लिख दिया अपॉन एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब ये 7 उचक के इस तरफ आ गया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 2 माइनस ऑफ 7 एक्स प्लस ऑफ 21 अपॉन x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया x माइनस 7 एक्स इज़ माइनस 6 एक्स, 21 माइनस 2 इज़ प्लस 19 अपॉन x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, अपन ने ऐसा किया यहाँ से माइनस, ये भाई क्रिटिकल पॉइंट तो अपने निकालेंगे बाद में, पहले अपन ये चेक करते हैं ना कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव दिख रहा है, तो अपन ने माइनस से कर दिया मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 6x माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि मल्टीप्लाइड तो अपने माइनस से किया है, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक अपनी आ गई, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। तो हमारे पास ये आ गया 6x माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अपन को सॉल्व करके जो है एक्स की वैल्यू निकालना है, इन इक्वालिटी नंबर 1 को अपन सॉल्व कर रहे थे, तो अगर इसको अपन को सॉल्व करना है तो यहाँ से 19/6 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो 19/6 तो 3 से बड़ा है, तो पहले अपन 3 लिखेंगे फिर अपन 19/6 लिखेंगे। ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। अब इक्वालिटी है तो हमारे पास डार्क सर्कल आएगा, किस पे, न्यूमरेटर वाले पे डार्क सर्कल आएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला है उस पर हॉलो सर्कल आएगा, और ये अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव, फिर हो जाएगा नेगेटिव, फिर हो जाएगा पॉजिटिव। सही है, ये हो जाएगा हमारे पास अपर कप, लोअर कप, अपर कप, हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला आंसर आ गया। तो पहली वाली इनइक्वालिटी का आंसर आ गया 3 से लेकर 19/6, 3 पे तो आ जाएगा ओपन, 19/6 पे आ जाएगा क्लोज। तो इतना अपने पास आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट आ गया 3 से लेकर 19/6, 3 पे ओपन, 19/6 पे क्लोज, दिस इज़ इनइक्वालिटी नंबर 1। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये पहली इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई अपनी, अब दूसरी सॉल्व करें अपन। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 11 है। अब इसको सॉल्व करना, तो 11 पहले यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस ऑफ 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस ऑफ 11 एक्स प्लस ऑफ 33 अपॉन x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास माइनस 11x प्लस x हो जाएगा माइनस ऑफ 10x प्लस हो जाएगा 31 अपॉन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ तक सॉल्व कर लो, फिर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, तो ये हमारे पास लिखा है माइनस ऑफ 10x प्लस 31 अपॉन x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये वाली इनइक्वालिटी अपन को करनी है सॉल्व। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये देखेंगे भाई। तो यहाँ तो नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये 10x माइनस 31 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड किया है नेगेटिव से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब अपन नंबर लाइन पे देखें तो ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ से 3 आया, यहाँ से 31/10 आया, 31/10 तो 3 से बड़ा होता है, तो पहले 3 आएगा फिर 31/10 आएगा। इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पॉइंट 3 था तो वहाँ हॉलो सर्कल आएगा, न्यूमरेटर वाले पे डार्क सर्कल आएगा, लास्ट वाले में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 पे ओपन, यूनियन हमारे पास आ जाएगा 31/10 से लेके इन्फिनिटी 30/10 पे क्लोज।
तो ये अपने पास सेकंड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेके 3-3 पे ओपन, यूनियन हमारे पास आ गया 31/10 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 हो गई। अब ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी हो गई हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इनका इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, इन दोनों इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, 3 है, फिर 19/6 है, 31/10 है। अब सबसे बड़ा छोटा तो 3 होगा, इसमें तो कोई सबको दे ना, सेम ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका होता है, सबसे छोटा तो 3 होगा। अब 19/6 और 31/10, तो 31/10 की तो वैल्यू 3.1 के होगी, और 19/6 अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 पॉइंट, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो 6 ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 के आसपास, तो बड़ा छोटा होगा फिर 31/10, और सबसे बड़ा जो होगा वो होगा 19/6 तीनों में। तो ये अपन ने सबसे पहले ये तीनों जो हैं वो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिए। अब आप चाहो तो पहले ड्रॉ कर लो, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उन पर डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये सब इसीलिए ताकि आपकी जो है माइनर मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब देखो भैया, पहला वाला कह रहा है 3 से लेके 19/6, तो 3 पे तो हॉलो सर्कल है, देखो ओपन है, अप टू 19/6, और 19/6 पे जो है वो डार्क सर्कल है क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। दूसरा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके आ गया 3 पे आ गया हॉलो सर्कल, और 31/10 से लेके इन्फिनिटी 30/10 पे आ गया डार्क सर्कल, और 31/10 से आ गया इन्फिनिटी। अब ये नंबर लाइन का फर्स्ट पार्ट, क्या इसमें दोनों इनइक्वालिटी है, नहीं है तो ये आंसर ना होगा। नंबर लाइन का सेकंड पार्ट, क्या इसमें दोनों इनइक्वालिटी है, नहीं है तो ये भी आंसर ना होगा। नंबर लाइन का थर्ड पार्ट, क्या इसमें दोनों इनइक्वालिटी है तो ये आंसर होगा। नंबर लाइन का फोर्थ पार्ट, क्या इसमें दोनों इनइक्वालिटी है, नहीं है तो ये भी आंसर ना होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट आ गया तो इसका आंसर लिख लें अपन, तो ये क्या है 31/10 से लेके 19/6 है, तो x की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 31/10 से लेके 19/6। अब देखो यहाँ तो डार्क सर्कल है और ये नंबर के लाइन के बीच में आ रहा है, तो लाइन के बीच में भी ये डार्क सर्कल ही माना जाता है, तो ये दोनों के पास है तो यहाँ तो क्लोज आएगा 19/6 में, यहाँ डार्क सर्कल ये लाइन के बीच में आ रहा है तो इस पर भी डार्क होगा, दोनों के पास है तो यहाँ भी क्लोज माना जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई साहब ये आंसर होगा, ऐसे अपन डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, नोट कर लो यहाँ तक। हाँ भाई, तो यहाँ तक अपन ने जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ ली, अपन ने जो है इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर पढ़ लिया, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटिंग लीनियर फैक्टर पढ़ लिया, अपन ने जो है रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ ली, डबल इनइक्वालिटी पढ़ ली, इतना अपन पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटी का बेसिक थ्योरी कम्प्लीट हो चुका है, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे इसके और उनका आंसर निकालेंगे। तो चलिए हैंड डाल लीजिए, सम क्वेश्चन ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल बेसिक से, मतलब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 6 बोला है लेस देन 0, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो अपन देखें, अपन इसको फैक्टराइज़ करते हैं, तो फैक्टराइज़ करना है तो अपन इसका डी चेक करें, तो डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस ऑफ 4ac, तो 4 × 3 माइनस इंटू 6, तो ये हो गया 49, और अरे ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो D की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब देखो भाई, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता y = 3x² - 7x + 6, और इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें A की वैल्यू तो 3 है, मतलब A की वैल्यू पॉजिटिव है और D की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ जो है वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो इसमें y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ये जो हमारे पास 3x² - 7x है प्लस 6, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ना जीरो होगी ना नेगेटिव होगी, कब, फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होगी। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में बोला गया है इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो भाई ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव कब होगी, कभी नहीं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5, कभी नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब 5, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू 5, नोट कर लो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपसे बोला गया है कि भाई अगर x² - x - 6 × x² + 6x, और बोला गया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करो।
तो ये तो फैक्टराइज होते हुए दिख रहा है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री इंटू हो जाएगा x प्लस टू, सही है। और ये भी हमारे पास है x इंटू x प्लस सिक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखो भाई, ये तो लीनियर फैक्टर्स हो गए, सबका पावर वन 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 वन, मतलब नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का केस हो गया। अब नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का पहला स्टेप चेक करो कि इसका लीडिंग कोफिशियंट सभी फैक्टर्स के पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसका कोफिशियंट वन है पॉजिटिव, इसका वन है पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो सभी के लीडिंग कोफिशियंट है पॉजिटिव, सभी के लीडिंग कोफिशियंट है पॉजिटिव। तो सबसे छोटा कौन है, माइनस सिक्स, फिर कौन है माइनस टू, फिर कौन है ज़ीरो, और फिर कौन है थ्री। ये कहानी है। अब इक्वालिटी है तो सभी पे डार्क सर्किल आएगा, तो इस पे भी डार्क सर्किल आएगा, 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 लास्ट वाले में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, अपर कप पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, लोअर कप पॉजिटिव वाला अपर कप, नेगेटिव वाला लोअर कप, पॉजिटिव वाला अपर कप। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला और ये वाला अपना आंसर हो गया। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस सिक्स, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और माइनस सिक्स पे डार्क, तो यहाँ क्लोज। यूनियन आ जाएगा माइनस टू से लेके ज़ीरो, यहाँ पे डार्क है तो क्लोज, ज़ीरो पे डार्क है तो क्लोज। यूनियन हमारे पास आ जाएगा थ्री से इन्फिनिटी, थ्री पे डार्क है तो क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट करो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री। बोला गया है एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है फाइव माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ फाइव बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, और एक फंक्शन है जी एक्स। जी एक्स की जो वैल्यू है ये है थ्री एक्स माइनस सेवन। बोला गया है सॉल्व कर लीजिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स, दिस इज़ द क्वेश्चन। सॉल्व करो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स, ये अपने पास कहानी है। अब इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो अपन एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स, जी डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स। तो पहले एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स निकालेंगे अपन। तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स। आपने जो है डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, इलेवंथ वालों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ वालों ने तो पढ़ ही रखा होगा। डिफरेंशिएशन करें तो फाइव का डिफरेंशिएशन ज़ीरो माइनस थ्री, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस फाइव बाय टू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस ऑफ वन बाय थ्री, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी डैश एक्स। जी का डिफरेंशिएशन आओ तो थ्री जोंका दो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और सेवन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, तो ये टू से टू कैंसिल, ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये हो गया माइनस ऑफ थ्री प्लस ऑफ फाइव एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ये माइनस ये प्लस थ्री इस तरफ आ गया तो माइनस माइनस हो गया माइनस सिक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इनइक्वालिटी अपन ने बनाई है, इस इनइक्वालिटी को फाइनली अपन को सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ तक नोट करो भाई, हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये हो गई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ फाइव एक्स माइनस ऑफ सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। देखो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया अपन ने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस ऑफ सिक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अपन को अब ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, ये वाली। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाला केस आ गया। सबसे पहले अपन ने x माइनस टू को ज़ीरो पुट किया तो x इक्वल टू टू आ गया, फिर x माइनस थ्री को ज़ीरो पुट किया तो x इक्वल टू थ्री आ गया। तो हमारे पास पहले छोटा है टू तो टू आएगा, फिर बड़ा है थ्री तो थ्री आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, इक्वलिटी लगी है तो यहाँ भी डार्क सर्कल होगा और यहाँ भी डार्क सर्कल होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का केस होगा, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, तो ये आंसर होगा। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टू से लेके थ्री दोनों पे क्लोज, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास अगला एग्जांपल हो गया, नोट करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर। बोला गया है अगर हमारे पास आ जाए x प्लस वन इंटू हो जाए x माइनस थ्री इंटू हो जाए x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये कहेगा केस हो गया, यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर आ गया तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाला केस आ गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा लीडिंग कोफिशिएंट सबके पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन पॉजिटिव है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन पॉजिटिव है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन पॉजिटिव है, सभी के लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव पहला केस हो गया।
फिर अपन निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन, इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा थ्री, इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू टू। सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, सबसे छोटा आएगा माइनस वन, फिर आ जाएगा हमारे पास टू और फिर आ जाएगा थ्री। अच्छा इक्वालिटी है तो तीनों पे डार्क सर्कल आएगा, थ्री पे भी डार्क सर्कल, टू पे भी डार्क सर्कल और माइनस वन पे भी डार्क सर्कल। अब चूंकि रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाला केस है तो आपको रिपीटेशन लिखना पड़ेगा, इवन टाइम है कि ऑड टाइम है। तो माइनस वन आया एक्स प्लस वन की पावर वन से, वन मतलब पावर है ऑड, टू आया एक्स माइनस टू की पावर टू से, टू मतलब है इवन, और थ्री आया एक्स माइनस थ्री की पावर वन से, वन मतलब हो गया ऑड। सबसे लास्ट वाले पार्ट में अपन पॉजिटिव का साइन रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ गए तो बीच में आया ऑड, ऑड मतलब क्या हो गया भाई, ऑड मतलब क्या हो गया, ऑड मतलब चेंज, तो पॉजिटिव का नेगेटिव। फिर यहाँ से आ गया तो बीच में आ गया इवन, इवन मतलब क्या हो गया नो चेंज, तो ये भी नेगेटिव। फिर यहाँ से आ गया तो बीच में आया ऑड, ऑड मतलब चेंज मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अपर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, पॉजिटिव मतलब अपर कप। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना आंसर है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, माइनस वन पे डार्क है तो क्लोज, यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी, तो थ्री पे तो डार्क है तो क्लोज आ जाएगा और इन्फिनिटी पे ओपन। अब एक स्टेप और बचा, चेक करेंगे लास्ट में हॉलो सर्कल की डार्क सर्कल, तो माइनस वन पे डार्क सर्कल आंसर में आना चाहिए आ रहा है, थ्री पे डार्क सर्कल आंसर में आना चाहिए आ रहा है, टू पे डार्क सर्कल आंसर में आना चाहिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो यूनियन लगा के अपन टू और ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर फोर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है अगर हमारे पास है x इंटू है x प्लस सिक्स इंटू है x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू है x माइनस थ्री और ये हमारे पास है ग्रेटर देन ज़ीरो, इसके बारे में क्या कहना है आपका। तो अगर अपन इसको कहेंगे तो इसको अगर अपन कहते हैं तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि ये अपन लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो एक्स का कोफिशियंट वन है पॉजिटिव, 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 सभी लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है। अब अपन निकालेंगे क्या क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से जाएगा जीरो, यहाँ से जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, यहाँ से माइनस टू, यहाँ से थ्री। सभी क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, सबसे छोटा कौन है माइनस सिक्स, उसके बाद कौन है माइनस टू, उसके बाद कौन है ज़ीरो और उसके बाद कौन है थ्री। अब इक्वालिटी तो है नहीं, इक्वालिटी नहीं है तो सब पे हॉलो सर्कल आएगा, सब पे हॉलो सर्कल आएगा, सब पे हॉलो सर्कल आएगा, सब पे हॉलो सर्कल आएगा। अब यहाँ पे पावर टू आ गई बीच में, मतलब रिपीटेशन वाला केस हो गया, तो हमें इवन ऑर्डर ऑड लिखना पड़ेगा कितने टाइम्स रिपीटेशन है। तो एक्स माइनस सिक्स कहाँ से आया, एक्स प्लस सिक्स का पावर वन से, वन मतलब इसका पावर है ऑड। फिर माइनस टू आया एक्स प्लस टू का पावर टू से, टू मतलब क्या है इवन। फिर ज़ीरो आया x का पावर वन से, वन मतलब ये हो गया ऑड। थ्री आया x माइनस थ्री का पावर वन से, वन मतलब ये क्या हो गया ऑड। अब सबसे लास्ट वाले में आएगा पॉजिटिव का साइन, इस पार्ट से इस पार्ट में आ रहे हैं बीच में आ रहा है ऑड, तो साइन चेंज होकर हो गया नेगेटिव। इससे इसमें जा रहे हैं बीच में आ रहा है ऑड, साइन चेंज होगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव। इससे यहाँ जा रहे हैं तो इवन, इवन मतलब साइन नो चेंज तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऑड, तो साइन चेंज तो पॉजिटिव का नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला लोअर कप, पॉजिटिव वाला अपर कप, पॉजिटिव वाला अपर कप, नेगेटिव वाला लोअर कप, पॉजिटिव वाला अपर कप, ये अपना हो गया। अब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा। तो अगर अपन x बिलोंग्स टू देखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस सिक्स से लेके माइनस टू, दोनों पे ओपन, यूनियन हो जाएगा माइनस टू से लेके ज़ीरो, दोनों पे ओपन, और यूनियन हो जाएगा थ्री से लेके इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन। ठीक है, अब इनकी दोस्ती को बदलेंगे रिश्तेदारी में, तो ये माइनस सिक्स से लेकर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन बीच में टू नहीं आना चाहिए था क्योंकि टू पे ओपन था, और टू आ गया है, माइनस टू आ गया तो माइनस टू कर देंगे माइनस, और यूनियन हमारे पास हो जाएगा थ्री से लेकर इन्फिनिटी, ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार लास्ट में हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल चेक कर लो, माइनस सिक्स पे हॉलो है, आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है, माइनस टू पे हॉलो है। अगर आप ये माइनस टू नहीं लिखते तो माइनस टू जो है उस पर हॉलो है, माइनस टू यहाँ आंसर में आ रहा होता, आ रहा होता तो माइनस टू फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता, तो माइनस ऑफ माइनस टू। ज़ीरो पे हॉलो आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, थ्री पे हॉलो आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट करो भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बोला गया है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस फोर इज लेस देन ज़ीरो, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे
कि लीडिंग कोफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पहले वाले का लीडिंग कोफिशेंट एक्स, ये पॉजिटिव है। इसका लीडिंग कोफिशेंट एक्स से भी पॉजिटिव है। इसका लीडिंग कोफिशेंट एक्स का, इसका लीडिंग कोफिशेंट है वन, ये भी पॉजिटिव। इसका है वन, ये भी पॉजिटिव। इसका है वन, ये भी पॉजिटिव। फिर अपन देखेंगे भाई, अपन निकालेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा वन, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से फोर। इन सभी क्रिटिकल पॉइंट को अपन ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, सबसे छोटा क्या आएगा, माइनस वन। फिर क्या जाएगा, प्लस वन। फिर क्या जाएगा, फोर। अब यहाँ पर जो है इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी होलो सर्कल आएगा। इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी होलो सर्कल आएगा, और इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी होलो सर्कल आएगा। अपन देखेंगे अब पावर। तो माइनस वन आया एक्स प्लस वन का पावर थ्री से, थ्री से मतलब पावर आ गया ऑड। फिर वन आया एक्स माइनस वन का पावर टू से, टू मतलब ये आ गया इवन। फोर आया एक्स माइनस फोर का पावर वन से, वन मतलब ये आ गया ऑड। तो ये कहानी होगी। सबसे लास्ट वाले में आएगा पॉजिटिव का साइन। अब यहाँ से यहाँ जा रहे बीच में आ गया ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे बीच में आ गया इवन, साइन नॉट चेंज, नेगेटिव का नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जा रहे बीच में आ गया ऑड, साइन चेंज, तो नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ये अपने पास हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अपन को चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अपना आंसर आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस वन से लेके प्लस वन, बहुत ओपन यूनियन आ गया वन से लेके फोर। इसकी दोस्ती को रिश्तेदारी बदलेंगे तो माइनस वन से लेके फोर करेंगे तो माइनस अपन को वन करना पड़ेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार लास्ट में जो है अपन चेक कर लें कि हमने जो हॉलो सर्कल है वो कोई आंसर में तो नहीं आ रहा है। तो माइनस वन पर हॉलो सर्कल आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। वन पर हॉलो सर्कल आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, ये माइनस हो गया। फोर पे हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये हॉलो सर्कल जो है इसमें अपना ओपन आ गया तो नहीं आ रहा है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो नोट करो, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेवन। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है एक्स की पावर थ्री इंटू है टू एक्स माइनस थ्री का पावर टू इंटू एक्स माइनस फोर का पावर सिक्स अपॉन ये है एक्स माइनस थ्री का पावर थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस एट का पावर फोर और ये है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स वाला भी है और ये रैशनल भी है। ठीक है, करते हैं अपन इसको सॉल्व। सबसे पहले अपन चेक करेंगे लीडिंग कोफिशियंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ तो x का कोफिशियंट 1 है पॉजिटिव, यहाँ 2 है तो पॉजिटिव, यहाँ भी 1 है तो पॉजिटिव, यहाँ भी 1 है तो पॉजिटिव, यहाँ भी 3 है तो पॉजिटिव। फिर अपन निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से तो आ जाएगा 0, इसको 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, इसको 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, इसको 0 पुट करेंगे तो 3, और इसको 0 पुट करेंगे तो 8/3। अब सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन जो है नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो ये अपने पास इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। सबसे छोटा कौन है, 0। 0 के बाद क्या है भाई, 0 के बाद है 3/2, 3/2 के बाद 8/3, क्योंकि 3 से छोटा है। तो ये हमारे पास 8/3, 8/3 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 4। अब आगे बढ़े तो यहाँ इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो क्या आना चाहिए था, ये इक्वालिटी है ना भैया, तो क्या आना चाहिए था, डार्क सर्कल। लेकिन डिनोमीटर वाले पॉइंट पे हमेशा होलो सर्कल आता है, तो डिनोमीटर से आया था 3 और 8/3, तो 3 और 8/3 दोनों पे क्या जाएगा, होलो सर्कल। तो यहाँ भी होलो सर्कल और यहाँ भी होलो सर्कल, बाकी सब पे डार्क सर्कल। तो 4 पे भी डार्क सर्कल, 3/2 पे भी डार्क सर्कल और 0 पे भी डार्क सर्कल। अब 0 कहाँ से आया, 0 आया x की पावर 3 से, पावर है 3, 3 मतलब क्या है, ऑड। 3/2 कहाँ से आया, 2x-3 का पावर 2 से, पावर है 2, 2 मतलब क्या है, इवन। 8/3 कहाँ से आया, 3x-8 का पावर 4 से, 4 मतलब क्या आ जाएगा, इवन। फिर आगे आओ, 3 आया x-3 का पावर 3 से, 3 मतलब क्या आ जाएगा, ऑड। 4 आया x-4 का पावर 6 से, 6 मतलब क्या आ जाएगा, इवन। तो ये कहानी होगी अपने पास भाई। 0 आया x की पावर 3 से, 3 होता है ऑड, ऑड आ गया। 3/2 आया 2x-3 का पावर 2 से, पावर है 2, 2 मतलब इवन, तो यहाँ इवन आ गया। 8/3 आया 3x-8 का पावर 4 से, पावर है 4, 4 होता है इवन, तो यहाँ इवन आ गया। फिर 3 आया x-3 का पावर 3 से, 3 होता है ऑड, तो यहाँ ऑड आ गया। फिर 4 आ गया x-4 का पावर 6 से, 6 होता है इवन, तो यहाँ इवन आ गया। सबसे लास्ट वाले में अपन ने क्या रख दिया, पॉजिटिव। अब यहाँ से यहाँ गया बीच में आया इवन, तो साइन नो चेंज, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। यहाँ से आ गया बीच में आया ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, तो पॉजिटिव का नेगेटिव।
यहाँ से आ गया बीच में आ गया इवन, इवन मतलब साइन नॉट चेंज तो नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ से आ गया बीच में आ गया इवन, इवन मतलब साइन नॉट चेंज तो फिर नेगेटिव, यहाँ से आ गया तो बीच में आ गया ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव। हमसे पूछा गया लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना आंसर हो गया। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 3 बाई टू, 0 पे है डार्क तो क्लोज, 3 बाई टू पे है डार्क तो क्लोज, यूनियन हो जाएगा 3 बाई टू से लेकर 8 बाई थ्री, 3 बाई टू पे है डार्क तो क्लोज, 8 बाई थ्री पे ओपन, यूनियन हो जाएगा 8 बाई थ्री से लेकर 3, 8 बाई थ्री पे ओपन और 3 पे भी ओपन। अब अपन क्या करें, अपन चेक करेंगे हॉलो सर्कल एंड डार्क सर्कल, तो 0 पे डार्क सर्कल आ रहा था आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, 3 बाई टू पे डार्क सर्कल आना था, डार्क सर्कल था आंसर में आना चाहिए, आ रहा है, 0 पे ये 8 बाई थ्री पे हॉलो सर्कल था आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 3 पे डार्क सर्कल हॉलो सर्कल था आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 4 पे डार्क सर्कल था आंसर में आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो यूनियन लगा के 4 और लिख देंगे, तो ये अपना आंसर हो गया। अच्छा अगर अपन इसकी दोस्ती को रिश्तेदारी बदलेंगे तो ये 0 से लेके 3 बाई टू, 3 बाई टू से 8 बाई थ्री, 8 बाई थ्री से 3, तो ये पूरा 0 से लेके 3 तक का पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अगर अपन क्लब करते हैं तो 3 बाई टू पे तो डार्क है, 3 बाई टू पे तो क्लोज है, तो 3 बाई टू पे तो कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन 8 बाई थ्री पे ओपन है और वो अपन ने ले लिया, तो अपन को 8 बाई थ्री माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 8 बाई थ्री करना पड़ेगा और ये यूनियन में 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2x माइनस 3 अपॉन में लिखा हुआ है 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, रैशनल इनइक्वालिटी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप अपन चेक करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है, तो पहले वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है, नीचे वाले का 3 है, ये भी पॉजिटिव है, फिर अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो 2x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा, और 3x माइनस 7 को 0 पुट करेंगे तो 7 बाई 3 आएगा। अब नंबर लाइन पर अपन क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, दोनों पॉइंट्स अपन लगाएंगे, तो पहले हमारे पास क्या जाएगा 3 बाई 2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 बाई 3। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो दोनों पे हॉलो सर्कल, तो यहाँ भी हॉलो सर्कल और यहाँ भी हॉलो सर्कल। अच्छा ये दोनों का पावर 1 है, तो ये नॉन रिपीटिंग वाला केस है, तो लास्ट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये अपना आंसर होगा। पॉजिटिव मतलब अपर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, पॉजिटिव मतलब अपर कप। पूछा क्या गया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हमारे पास x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 बाई टू, यहाँ हॉल ओपन और यहाँ भी ओपन, और यूनियन हमारे पास हो जाएगा 7 बाई 3 से इन्फिनिटी, यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, तो ये अपने पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 3 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 12, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ 12x एंड माइनस ऑफ 15, और अपॉन में अगर अपन देखें तो अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ये माइनस 5x है और ये प्लस 12x है, तो ये जाएगा हमारे पास प्लस 7x, ये प्लस 12 है, ये माइनस 15 है, तो माइनस ऑफ 3 अपॉन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, देखो भाई ये हमारे पास इनइक्वालिटी हो गई, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माइनस से लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है ना ऊपर का, माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इज़ लेस देन 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो भाई, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 5 इज़ लेस देन 0। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स। ये हमारे पास जो है नीचे तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, देखो ज़रा ये हमारे पास अगर हम करेंगे तो नीचे वाला फैक्टराइज ही नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 5 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ तक अपने पास आ गया, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। भैया यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है अपन ने देखा ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा था, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर अपन चेक करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब माइनस 4 मतलब नेगेटिव है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर के बारे में बात करूँ, डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 है, तो इसकी a की वैल्यू तो 1 है, 1 है मतलब पॉजिटिव है, और d की वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 4 है मतलब नेगेटिव है। जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव रहता है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनता है और ऑल रूट्स आर इमेजिनरी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये कोई रूट तो देगा नहीं और इसकी वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो भाई हमें क्या करना है, हमें ये ओवरऑल नेगेटिव निकालना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूछा है, ये नेगेटिव कब होगा, तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। तो हमें जो सॉल्व करना है, वो ये सॉल्व करना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब होगी। तो नोट करो पहले यहाँ तक, क्वेश्चन इतना सा हो गया कि हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर नेगेटिव कब होगा, मतलब 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव कब होगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 से लेके 3। अब बहुत आसान हो गया ये चीज़ सॉल्व करना, ये फाइनल आंसर अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 अपॉन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नेगेटिव। अब देखो भाई इसमें ऐसी चीज़ है कि अपन फैक्टराइज करेंगे इसको, तो डिनोमिनेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 माइनस 4 मतलब नेगेटिव है। तो इसका जो है a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्राफ नंबर 3 ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये, तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी और ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है ना, ऊपर वाला साफ साफ दिख रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा है। तो ये ओवरऑल पूछा है नेगेटिव कब होगा, ये ओवरऑल नेगेटिव जब होगा जब इसका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 से लेके 3 बोथ ओपन, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो ये अपने पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाला केस हो गया, तो अपन सबसे पहले देखें लीडिंग कोफिशियंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसका लीडिंग कोफिशियंट क्या है, 1 पॉजिटिव, इसका लीडिंग कोफिशियंट 1 पॉजिटिव, इसका लीडिंग कोफिशियंट 1 पॉजिटिव और इसका भी लीडिंग कोफिशियंट 1 पॉजिटिव। फिर अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो x माइनस 1 से जाएगा 1, x प्लस 1 से जाएगा माइनस 1, x से जाएगा 0 और x माइनस 2 से जाएगा 2। तो नंबर लाइन पे अपन क्या करें, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करें, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1 और फिर आ गया 2। अब यहाँ इक्वालिटी तो है नहीं, इक्वालिटी नहीं है तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे सब पे हॉलो सर्कल आएगा। अब रिपीटिंग है तो अपन देखें माइनस 1 कहाँ से आया, माइनस 1 आया x प्लस 1 का पावर 3 से, तो इसका हुआ पावर है 3 का मतलब ऑड का। 0 आया x का पावर 4 से, पावर है 4, 4 मतलब पावर हो गया इवन। 1 आया x माइनस 1 का पावर 2 से, पावर है 2, पावर 2 मतलब हो गया इवन। 2 आया x माइनस 2 का पावर 1 से, पावर है 1 मतलब ये हो गया अपने पास ऑड। सबसे लास्ट वाले पार्ट में अपन ने रखा पॉजिटिव का साइन, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बीच में आ रहा है ऑड मतलब साइन चेंज तो पॉजिटिव का नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बीच में आ रहा है इवन साइन नॉट चेंज तो नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बीच में आ रहा है इवन साइन नॉट चेंज नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बीच में आ रहा है ऑड, ऑड आ रहा है तो साइन चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव मतलब अपर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, पॉजिटिव मतलब अपर कप।
पूछा है लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना आंसर है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या जाएगा, माइनस वन से लेके जीरो बोथ ओपन, यूनियन जीरो से लेके वन बोथ ओपन और यूनियन वन से लेके टू बोथ ओपन। अब इसको अगर अपन दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे तो माइनस वन से लेके टू लिख सकते हैं, लेकिन बीच में जीरो नहीं आना चाहिए था, वन नहीं आना चाहिए था, तो अपन ने जीरो और वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। x प्लस वन अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन। तो सबसे पहले अपन इसका इस तरह ट्रांसफर करें, तो हो जाएगा x प्लस वन अपॉन हो जाएगा x माइनस वन माइनस ऑफ x प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू x प्लस वन, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस फाइव इंटू x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस टू x प्लस वन माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस फाइव x माइनस x इज प्लस फोर x और माइनस ऑफ फाइव अपॉन हो जाएगा x माइनस वन इंटू x प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अभी हम अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस टू x प्लस वन माइनस x स्क्वायर माइनस ऑफ फोर x प्लस फाइव अपॉन हो जाएगा x माइनस वन इंटू x प्लस वन और दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू x माइनस फोर x हो जाएगा माइनस टू x प्लस फाइव प्लस वन हो जाएगा प्लस सिक्स अपॉन हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू x प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो अपन ऐसा करें, पहले यह माइनस टू से और डिवाइड कर दें, माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस थ्री और नीचे रहेगा x माइनस वन इंटू x प्लस वन। माइनस टू से डिवाइड किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो नोट कीजिए यहाँ तक। पास आ गया x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन इंटू x प्लस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट सभी के पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस लीनियर फैक्टर का भी लीडिंग कोएफिशिएंट वन है, पॉजिटिव इसका भी वन है, पॉजिटिव इसका भी वन है, पॉजिटिव। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से वन आएगा, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से थ्री, सबसे छोटा है माइनस वन, फिर है वन, फिर है थ्री। अब इक्वालिटी है तो आना चाहिए डार्क सर्कल, लेकिन डिनोमिनेटर से आया था माइनस वन एंड प्लस वन, इस पर आएगा हॉलो सर्कल, तो माइनस वन पर हॉलो सर्कल और प्लस वन पर हॉलो सर्कल, थ्री पर आ जाएगा डार्क सर्कल। सभी का पावर वन है तो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा, लास्ट में आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब लोअर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, पॉजिटिव मतलब अपर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप, पॉजिटिव मतलब अपर कप। हमसे क्या बोला गया, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना आंसर है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन और यूनियन हो जाएगी हमारे पास वन से लेके थ्री। माइनस वन पे हॉलो है तो ओपन, वन पे हॉलो है तो ओपन और थ्री पे डार्क है तो क्लोज। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर अपन देखते हैं तो इसमें हमारे पास लिखा है 2 इंटू है x माइनस फोर अपॉन है x माइनस वन इंटू x माइनस सेवन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस टू। ये अपन को सॉल्व करना है तो अपन सबसे पहले इसको इस तरह ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जैसे ही अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस फोर अपॉन हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू x माइनस सेवन और माइनस आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू हो जाएगा x माइनस सेवन इंटू हो जाएगा x माइनस टू। x माइनस टू यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस फोर इंटू x माइनस टू और x माइनस वन इंटू x माइनस सेवन यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू हो जाएगा x माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक हो जाएगा, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अपन इसको ओपन करें, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर,
माइनस ऑफ 4x एंड माइनस ऑफ 2x इज माइनस 6x, माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज प्लस 8, और इसके बाहर होगा 2, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ 7x हो जाएगा माइनस ऑफ 8x, माइनस 7 माइनस 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस 7, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो और सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 12x और प्लस ऑफ 8x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x, ये प्लस का 16 और माइनस का 7, ये क्या हो गया प्लस का 16 और ये माइनस का 7, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 9। अपॉन आ जाओ, नीचे हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 7 इंटू हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर भी फैक्टराइज करने की कोशिश करें, तो न्यूमरेटर का जो d आएगा वो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 है, तो नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर का जो d है वो नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। तो अगर मैं न्यूमरेटर के बारे में बात करूँ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 9 a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे, तो यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो ये लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन समथिंग इक्वल टू पॉजिटिव, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा कि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी आ नहीं सकती क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो हमें ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो देखो यार, ये अपने पास हो गया x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो भाई ये तो हमारे पास नॉन रिपीटिंग वाला केस है ना, इसको 0 पुट करेंगे 1 आएगा 7 आएगा 2 आएगा, तो सबसे छोटा 1 फिर 2 फिर 7, इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ भी हॉलो, यहाँ भी हॉलो, यहाँ भी हॉलो, लास्ट वाले में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला और ये वाला अपना आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 2 बोथ ओपन, यूनियन हो जाएगा 7 से लेके इन्फिनिटी 7 पे ओपन, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x प्लस 4 का मॉड इज़ नेगेटिव। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन पॉजिटिव बोला गया है नेगेटिव कब होगा, तो हमारे पास कहानी यह आ जाएगी कि न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें सॉल्व इसको करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्या जाएगा माइनस 4, तो x की वैल्यू माइनस 4 भी नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, हम इसको सॉल्व करना है और उसमें x इक्वल टू माइनस 4 को, x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 4 है तो माइनस 4 को गायब कर देना है। अब ये तो बहुत ही आसान लग रहा है भाई, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स माइनस 7 इज़ लेस देन 0, तो ये लिखा है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 0, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 7 से 1 आएगी बोथ ओपन, तो इसके बीच में क्या माइनस 4 आ रहा है, बिल्कुल इसके बीच में माइनस 4 आ रहा है, लेकिन माइनस 4 नहीं होना चाहिए, तो माइनस 4 अपन ने सबट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 8 अपॉन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसको सॉल्व अपन को करना है, देखो कैसे करेंगे। तो यार देखो, पहली बात तो ये हमारे पास डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, तो हमारे डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है तो दो इनइक्वालिटी हो जाएंगी, एक तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, और बीच में क्या रहेगा और नहीं सॉरी एंड है ना दिस बट दिस, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो करें भाई अपन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को इस तरफ ले आएंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 8 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x और प्लस ऑफ 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। तो भाई देखो डिनोमिनेटर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा। और न्यूमरेटर में अगर अपन d की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये 7 इंटू 7 है, 8 इंटू 7 ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दोनों जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगी। तो ये वाला केस तो हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये पहली वाली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या गई, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी अपन सॉल्व करते हैं, ये बाजू वाली, तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये वहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 8, 2 यहाँ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर तो यहाँ का ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो भी ना होगा, है ना। अब ये जो चीज़ है, ये न्यूमरेटर जब नेगेटिव होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें केवल न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करना है इसको, क्योंकि यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं और ये ऑलवेज पॉजिटिव भी होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 6 आ जाएगी। तो दूसरी वाली इनइक्वालिटी से हमारे पास 1 से लेके 6 आई है ना, यहाँ लिख लेते हैं अपन, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 से लेके 6 बहुत क्लोज, तो इस वाले से तो 1 से लेके 6 आई और इससे ऑल रियल नंबर आई, तो कॉमन पार्ट लेंगे तो 1 से लेके 6 ही आ जाएगी, तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, बोला गया है कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर माइनस 1 से प्लस 1 होगी तो कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई ये दो इनइक्वालिटी हैं, एक तो है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, एंड दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, दोनों का इंटरसेक्शन आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को आप करिए और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, जब भी बताएगा उसके बाद जो भी मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं उसका नाम सबको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 5 है तो इसके बारे में क्या करेंगे आप। तो मैं ऐसा करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को थोड़ी देर को टी पुट कर लूँ, तो ये टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3t मतलब माइनस 2t माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 इस तरफ चले जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ऑफ 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, t की वैल्यू वापस पुट कर दी, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो फैक्टराइज करो इसको, तो अगर ये फैक्टराइज होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा माइनस 4 फिर माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर 1, इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल, डार्क सर्कल और डार्क सर्कल और डार्क सर्कल, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। हमसे पूछा है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना आंसर होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन हो जाएगा माइनस 2 से लेके माइनस 1 और यूनियन हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है इनइक्वालिटी के, मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करा दिए और यहाँ तक जो है अपना इनइक्वालिटी समाप्त होता है। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ तो भाई बच्चों कैसा लगा,
आज अपन ने इनइक्वालिटी कंप्लीट कर ली है पूरी। इनइक्वालिटीज़ में आज अपन ने जो है रैशनल इनइक्वालिटी कंप्लीट कर ली, और बहुत सारे अभी तक जितने भी इनइक्वालिटी के पार्ट पड़े थे उन सब पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हमारी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।